अप्रोक्स ट्रैफिक इस साइट पे आता है मंथली बेसिस पे, आप देख सकते हैं 109 मिलियन का ट्रैफिक है, जीरो कंटेंट, सिर्फ एक इनोवेटिव आइडियाज। तो ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं? तो गाइस हम चैनल पे एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसी वेबसाइट के आइडियाज। हर हफ्ते या फिर एवरी टू वीक में मैं आपको 5 वेबसाइट के आइडियाज दूंगा और साथ ही साथ उनको कैसे उनका मार्केटिंग मॉडल काम करता है, कैसे साइट्स अर्न कर रही है, ताकि आप उन आइडियाज को यूज करके आपकी खुद की वेबसाइट बिल्ड कर सके। ये हमारा पहला वीडियो है, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं। तो इस चैनल पे ऐसी प्रीमियम टिप्स आपको आगे मिलती रहेगी, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी वेबसाइट्स जो कम से कम कंटेंट के अंदर कैसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। यही नहीं, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, क्या उनसे सीख करके आप आपकी साइट में चेंजेस कर सकते हैं, सब कुछ इस डिटेल वीडियो में आने वाला है। लेकिन गाइस अगर आप ऐसी प्रीमियम टिप्स चाहते हैं ऑनलाइन मनी मेकिंग के आइडियाज के अराउंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि फ्यूचर के किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले ऐसे ऑनलाइन मनी मेकिंग के आइडियाज और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस पर्टिकुलर फॉरम को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक 98 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स है, 6 से ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप आपकी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पोस्टेड है वहां से आप आंसर्स भी फिगर आउट कर सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप को जहां पर 12,000 से ज्यादा लोग हैं जो ऐसी डे टू डे डिस्कशंस करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो 5 वेबसाइट के आइडियाज, हर एक आइडियाज को हम 1x1 करेंगे। जहां पर पहली जो गाइस वेबसाइट है वो है leandomainsearch.com। ये साइट क्या करती है, इमेजिन कीजिए आप आपकी वेबसाइट के लिए डोमेन ढूंढ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में आइडिया है कि मुझे ऑनलाइन मनी मेकिंग के अराउंड कोई तो डोमेन चाहिए, आप क्या करेंगे, इस साइट पे आएंगे और यहां पर डाल सकते हैं आपका जो कीवर्ड है ऑनलाइन मनी, जो भी आपका है, एंड देन आप उसको सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के आइडियाज देगा जिससे आप आपका डोमेन फिगर आउट कर सकते हैं। इवन मेरी साइट bloggingwords.com का डोमेन भी मैंने यहीं से फिगर आउट किया था कि क्या आइडियाज हो सकते हैं। जैसे ऑनलाइन मनी के अराउंड आप क्या डोमेन नेम ले सकते हैं, ट्रैवल ऑनलाइन मनी, बायो ऑनलाइन मनी कैफे, वन ऑनलाइन मनी, तो ये क्या है, एक तरीके से आइडियाज जनरेट करके देगा। तो ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, सबसे पहले चीज आपको हेल्प मिलती है आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को चेंज करने से जिससे आप इनोवेटिव डोमेन नेम ढूंढ सके। लेकिन ये साइट कैसे कमाती है, मान लीजिए कि आप ये डोमेन नेम परचेज करना चाहते हैं तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको एक विंडो दिखाई देगी जहां पर इन्होंने उनकी एफिलिएट लिंक लगा के रखी है। अगर आप इस डोमेन नेम को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लू होस्ट के डोमेन रजिस्ट्रार से इसको परचेज कर सकते हैं और ये जो है इनका एफिलिएट लिंक है, जैसे आप देख सकते हैं एफिलिएट के नाम से, दैट मीन्स कि इन्होंने डोमेन वेबसाइट बनाई। और अगर आपका डोमेन नेम डेफिनेटली अच्छा लगता है तो आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वहां पे ऑप्शन आएगा डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए, तो यहां से ये एफिलिएट इनकम जनरेट करता है, जीरो कंटेंट, सिर्फ एक इनोवेटिव आइडियाज। वेल, ऐसी वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, अगर इस वीडियो पे 1,000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा विद प्रॉपर सेटअप कि कैसे आप ऐसी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, इसका एसईओ कैसे कर सकते हैं ताकि आप भी कुछ ऐसा कर सके। तो इस वीडियो पे 1,000 से ज्यादा लाइक आने पे मैं आपको बताऊंगा। तो पहला था डोमेन नेम सर्च, जहां पर डोमेन के आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करके कुछ इस तरीके से एफिलिएट इनकम, साथ ही साथ यहां पे आप एड को भी प्लेस कर सकते हैं यहां पे अलग अलग कॉर्नर्स पे, लेकिन जितनी नीट एंड क्लीन वेबसाइट उतना ज्यादा एफिलिएट रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये था नंबर 1, लीन डोमेन सर्च। अगर आइडिया ज्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताओ, क्लियर। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है विकीहाउ। विकीहाउ क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, यहां पर आपको हाउ टू टाइप का कंटेंट दिखाई देता है। ऑब्वियसली कंटेंट रिच वेबसाइट है, लेकिन इसमें जो हर एक ब्लॉग पोस्ट में कंटेंट होता है वो हार्डली 200 से 500 वर्ड्स का होता है, लेकिन प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स होते हैं जो आपको हाउ टू टाइप की चीजों को फिगर आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आपके एंड्रॉइड के माइक्रोफोन को आपको ठीक करना है, हाउ टू डू दैट। सेकंड चीज, अगर आपको खुजली हो रही है तो एग्जैक्टली हाउ टू फिक्स दैट। नंबर 3, एग्जांपल के लिए, अगर आप कहीं पे आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जहां पर आप ये फिक्स करना चाहते हैं कि मैं कैसे वेट को लूज करूं, अगेन ये आपको वहां पे हेल्प करेगा, हाउ टू। तो एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने एक कीवर्ड को सर्च किया, हाउ टू स्क्रीनशॉट ऑन मैक, और हाउ टू टाइप के कीवर्ड्स अगर आप जब भी सर्च करेंगे आपको 90% से भी ज्यादा
आपको टॉप 10 के अंदर ये वेबसाइट दिखाई देगी जिसका नाम है विकीहाउ। एग्जांपल के लिए यहां पर विकीहाउ। इवन मैं इसके डैशबोर्ड के अंदर जाता हूं, अगर सिमिलर वेब में जाकर के इसका स्टैट्स देखता हूं कि कितना एक्सपेक्टेड या फिर अप्रोक्स ट्रैफिक इस साइट पे आता है मंथली बेसिस पे, आप देख सकते हैं 109 मिलियन का ट्रैफिक है। और जैसे मैंने इसको सर्च किया हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट विद मैकबुक, अगर मैं इस कंटेंट को ओपन करता हूं, आप देख रहे हैं 10 इजी वे के अंदर सबसे पहला स्टेप यह है, एक स्क्रीनशॉट है, मतलब ऑब्वियसली इन्होंने प्रॉपरली डिजाइन किया। दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये, अगर आप हार्डलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे 10 स्टेप्स के अंदर आपको मुश्किल से 500 से 1000 वर्ड का कंटेंट दिखेगा, लेकिन प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ में। अगर आप इस टाइप की वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं, यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट्स विद अ मिनिमम कंटेंट। अगर एग्जांपल के लिए अगर आप एमआर व्यास आइडिया पे जाएंगे, मैंने इस चीज को रिप्लिकेट करना स्टार्ट किया है, मैं मिनिमम कंटेंट पब्लिश करता हूं विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हाउ टू कॉल समवन विदाउट शोइंग योर नंबर, ये भी हाउ टू टाइप का कंटेंट है। मैंने यहां पे तीन वेज को डिस्कस किया है, थोड़ा सा कंटेंट, नंबर 1 स्क्रीनशॉट, नंबर 2 स्क्रीनशॉट, नंबर 3 स्क्रीनशॉट, काइंड ऑफ दैट, बट ये लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। तो आप विकीहाउ जैसी वेबसाइट्स को डिजाइन करके भी ओवर द टाइम लॉन्ग रिजल्ट्स आपको मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के कीवर्ड्स के लिए मोस्टली फॉरम वेबसाइट्स रैंक करती हैं, तो आपको पोजीशन इजीली मिल जाएगा। क्लियर? तो दैट इज नंबर 2। इसके बाद गाइस जो नंबर 3 वाली जो वेबसाइट है वो है एग्जांपल लाइक buddytv.com। वेल, इसको लेकर के हमने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि अगर आपको मूवी रिलेटेड वेबसाइट्स बनानी है तो वो कैसे बनानी चाहिए। और इस साइट को लेकर के मैंने एक डिटेल स्टडी उस वीडियो में शेयर की है कि ये साइट ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पब्लिश करती है एवरग्रीन टॉपिक पे। मतलब क्या, 1992 के अंदर मोस्ट पॉपुलर मूवीज क्या थी, अगर आप देखना चाहते हैं स्पेस से रिलेटेड तो कौन कौन सी बेस्ट मूवीज की लिस्ट है, मतलब ये आपके ट्रेंडिंग टॉपिक पे कम डिस्कस करेगा, एवरग्रीन टॉपिक पे डिस्कस करेगा, तो आपका ब्लॉग ऑल द टाइम कंसिस्टेंट ट्रैफिक आएगा, इंस्टेड कि आप किसी मूवी का रिव्यू करते हैं। रिव्यू टाइप की वेबसाइट ज्यादा नहीं चलती है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रैफिक आएगा, देन इट विल बी फेड अवे। लेकिन इस केस के अंदर आपको एवरग्रीन ट्रैफिक आएगा क्योंकि आप एवरग्रीन टॉपिक को टच करते हैं। इसको दो तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है, नंबर 1 जो है ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और नंबर 2 अगर यहां पर न्यू टीवी शोज की बात करूं, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आपको मिडिल में आपको नेटफ्लिक्स के लिंक दिखाई देगी, मिडिल में अमेजन प्राइम के लिंक्स दिखाई देगी, मिडिल में एचबीओ मैक्स। तो मतलब कभी कोई भी यूजर इन पर्टिकुलर साइट्स पे जाएगा और वहां पर जाने के बाद में अगर उन सब्सक्रिप्शन के लिए वो वहां पर एनरोल करेगा, रजिस्टर करेगा, आपको रिकरिंग इनकम चालू हो जाएगा, दैट इज द बेस्ट इनकम। तो आप इस टाइप की साइट्स का एग्जांपल ले सकते हैं विच कैन गिव यू मैसिव रिजल्ट्स, जो शॉर्ट टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स लाके देगी। तो दैट इज साइट नंबर 3 आइडिया। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट साइड है वो है इमेज टाइप की वेबसाइट। लेकिन बहुत सारे लोग यू कंफ्यूज होते हैं कि इमेज के अंदर वो क्या करता है, पिंटरेस्ट से इमेज उठा लेते हैं, शटरस्टॉक से इमेज उठा लेते हैं, गूगल से इमेज उठा करके इमेज साइट्स बनाते हैं। नहीं फ्रेंड, यहां पर एक एग्जांपल है गुड मॉर्निंग इमेजेस free.com के नाम से। इसने सिर्फ एक कीवर्ड को टारगेट किया है, वो है गुड मॉर्निंग इमेजेस, और उसके साथ में एक डोमेन लेकर के इमेज बना दिया। वेल, जब मैंने इसके साइट मैप को जाके देखा, आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 62 ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश किया गया है। वेल, इसके जो ट्रैफिक स्टैट्स को जाके मैं देखूंगा, यू कैन फाइंड आउट हियर कि यहां पर कितना ट्रैफिक है, विच इज मोर अराउंड 37,000 अ मंथ। मतलब अगर ये 37 यहां पे ट्रैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं 60 से 70 हजार का ट्रैफिक इसका पर मंथ पे आ रहा है, जो कि अभी रिसेंटली डाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं दिन का 2,000 विजिटर्स इस साइट पे आ रहे हैं। वेल, इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये जो ट्रैफिक आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू लो होगा, लेकिन ओवर द टाइम 62 की बजाय और ज्यादा ब्लॉग पोस्ट यहां पे पब्लिश किए जाएंगे, इसको ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इमेज वेबसाइट को डिजाइन करने का क्या प्रोसेस है, कैसा आपको डिजाइन करना चाहिए, कौन से आपको थीम यूज करना चाहिए, अगर इस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बोला 1000 से ज्यादा लाइक्स होंगे तो मैं उस पर डिटेल वीडियो फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा। इसको भी आप दो तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। पहली चीज, आप लोगों को शटरस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे यहां से राउट कर सकते हैं। नंबर 2, ऑब्वियसली आप यहां पर एड रेवेन्यू से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये एक अनादर वेबसाइट आइडिया है, इमेज टाइप की वेबसाइट जहां पर आपको पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर काम करना, या तो गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट या फिर दिस एंड दैट, ना कि सब कुछ इंक्लूड कर देना है। क्लियर? तो इमेज वेबसाइट से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज फाइंड आउट करने होंगे। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है नेम जनरेटर के नाम से। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो बेबी नेम होता है, चाहे वो बिजनेस नेम होता है, चाहे किसी का शॉप का नेम होता है, कहीं से भी लोगों को नेम्स के आइडियाज चाहिए। उसमें से मुझे एक वेबसाइट मिली जो बहुत ही लो हैंगिंग वेबसाइट है,
अगर इसके स्टैट्स में जाके देखूंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि साइट पे मिनिमम ऑन एन एवरेज जो विजिटर्स आते हैं वो इंडिया से आते हैं, और ये रिसेंटली स्टार्ट हुई वेबसाइट है जहां पर नवंबर के बाद में अभी इंस्टेंटली 9000 विजिटर्स मंथ आने लग गए हैं। मतलब ये साइट ओवर द टाइम ग्रो हो रही है, जितना प्रॉपर इस पे एसईओ होगा You will get amazing results. Well, इसका advantage ये है कि अगर मैं Google में जाके देखूँ, यहाँ पे type करूँ baby name generator, तो ये क्या है? Whenever you will be having a baby, तो obviously लोग जो होते हैं name और ideas को figure out करते हैं, right? TheBump.com, BabyNamesDirect, even Huggies.co.in, मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये एक बहुत ही नई website है। मैं यूँ नहीं कहूँगा नई है, ये existing है, लेकिन इन्होंने एक section start किया सिर्फ और सिर्फ baby names के नाम से। And you can see here, यहाँ पर ये ideas listed है और इस site पे कितना traffic आता है। अगर मैं यहाँ पे open करके देखूँगा, ये साइट पे जो इंस्टेंट ट्रैफिक आ रहा है आज के डेट में वो कहीं ना कहीं आ रहा है 97K, मतलब दिन का 3,000 से 4,000 विजिटर्स आ रहा है। तो इस टाइप की साइट को भी आप डिजाइन करके कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ में इसको प्रॉपरली मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वेबसाइट के न्यू आइडियाज अगर अच्छा लग रहा है, इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहता है, तो आप कमेंट करके बताइए। और भी नई नई वेबसाइट के आइडियाज को मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर लाऊंगा विद वन डिटेल स्टडी कि डोमेन टाइप की वेबसाइट को कैसे बनाना है, उसके लिए क्या सेटअप करना है, वो भी हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर जाके देखिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, तो ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस आते रहेंगे। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।